हेलो दोस्तों, मैं अनिल सैनी स्वागत कर रहा हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं आज आपको बताऊँगा कि जो हमारी छत पर कुछ वाइब्रेशन अच्छे तरीके से ना होने की वजह से होल बन जाते हैं, जिन्हें हम पावर होल कहते हैं। इन पावर होल में क्या होता है, वाटर एंटर करता है। उस वाटर एंटर होने की वजह से हमारे स्टील में जंग खा सकता है और उस जंग की वजह से हमारी जो स्लैब की स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर हो सकती है। इससे क्या होगा, हमारे जो स्ट्रक्चर है उसकी एज भी कम होगी, स्ट्रेंथ भी कम होगी। और इसमें हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है कि वो अचानक से कभी भी फेल हो सकता है, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो दोस्तों, अगर आपके छत पे या कहीं पर भी ऐसी कोई दिक्कत है तो आप उसको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करा लें। और इसके लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या है, एक वाटर एंटेनर एजेंट आता है, उसको मिला करके सीमेंट के घोल में आप बिछा सकते हैं। सर, ये जो दिक्कतें होती हैं कि स्लैब के अंदर पानी का एंटर करना, तो ये दोस्तों ये इस वजह से होती है कि जब हम स्लैब कास्ट कराते हैं तो स्लैब कास्ट कराने के टाइम पे उसका जो कंक्रीट है उसका अच्छे तरीके से कॉम्पैक्शन नहीं हो पाता है। और कॉम्पैक्शन करने के लिए हमारी जो वाइब्रेटिंग मशीन है उसका अच्छे तरीके से जगह जगह पर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सभी जगह पर अच्छे तरीके से कॉम्पैक्शन कराएंगे तो ये दिक्कतें नहीं आती हैं। दूसरा रीज़न ये होता है दोस्तों कि जब हम प्रॉपर ग्रेडिंग नहीं कराते हैं तो उस वजह से भी क्या होता है कि जो फाइन मटेरियल होता है हमारा वो कोर्स मटेरियल के अंदर या उसके फिलिंग को नहीं भर पाता है, जिसकी वजह से ये जो हमारे पोर हैं या जो भी हम वॉइड्स कह सकते हैं ये बन जाते हैं। इनकी वजह सबसे मेन रीज़न यही होता है, यही दो रीज़न सबसे ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से ये क्रिएट होते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।